नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जैसा सब आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई 2021 के बाद वही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे UGC के अनुसार जिन लोगों की PhD कम्प्लीट है। तो यदि अभी तक आपने PhD नहीं की है तो PhD के लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। जैसा आप लोग जानते हैं कि PhD के लिए बहुत ही कम पोस्ट आती है, बहुत कम सीटें आती हैं, तो आपको लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे PhD और MPhil एडमिशन संबंधित। और जो आज के एडमिशन है दोस्तों, वो संबंधित है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी रावत भाटा रोड कोटा राजस्थान से। नोटिफिकेशन दी है, देख लेते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन और उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को आगे आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहीं पर क्विट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एडमिशन इन द PhD इन रेगुलर मोड इन सब्जेक्ट जर्नलिज कॉमर्स पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्योग्राफी संस्कृत एंड एजुकेशन एंड MPhil इन रेगुलर मोड जर्नलिज कॉमर्स बॉटनी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्योग्राफी संस्कृत इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। एडमिशन विल बी डन थ्रू इंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू इन अकॉर्डेंस विद द PhD MPhil रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन UGC रेगुलेशन एंड द गाइडलाइन फ्रॉम द चांसलर सेक्रेटरियल राजस्थान। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड फ्रॉम 24/2020। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म March 31, 2020। एंट्रेंस टेस्ट डेट एक टेंटेटिव डेट दी हुई है April 19, 2020। फॉर डिटेल विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.vmou.ac.in। क्वेरी में भी एड्रेसेड ऑन research@vmou.ac.in और टोल फ्री नंबर है 1800-180-6166। तो ये डिटेल है दोस्तों, जो कुछ विषय हैं जैसे हमने बात की हुई है कि जो PhD है वो जर्नलिज्म में, कॉमर्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ज्योग्राफी में, संस्कृत में और एजुकेशन में। जबकि MPhil के जो विषय हैं वो है जैसा आप देख पा रहे हैं जर्नलिज्म कॉमर्स बॉटनी पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्योग्राफी संस्कृत इकोनॉमिक्स एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। तो यह विषय है जिसमें से आप जो है MPhil और PhD कर सकते हैं। अधिक डिटेल के लिए दोस्तों, जो अलग से नोटिफिकेशन दी हुई है, डिटेल दी हुई है, उस पर हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों PhD के लिए। तो PhD के उसमें जैसा आप ये PDF देख पा रहे हैं, इस PDF को आप जो है वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो फी की बात करें, देखिए जो सबसे पहले प्रमुख तिथियाँ हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, 24 फरवरी से, लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2020 है। और जो रिटर्न डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन है 22/19/2020 है। तो यह एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो देखिए कैंडिडेट को यहाँ पर दिया हुआ, कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम शैल हैव अ मास्टर डिग्री और अ प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी विद एट लीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द UGC 7-point स्केल। तो यह है कि आपका जो है 55% के साथ मास्टर होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसको, SC ST और OBC कैंडिडेट को जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अब अगर हम पेमेंट की बात कर लें तो कैंडिडेट हैव टू पे एन अमाउंट ऑफ 2000 रुपये फी है PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और आपको कैसे इसको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और या ई मित्रा के माध्यम से, ठीक है। और जो फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है, तो 2000 रुपये फ़ी है दोस्तों। सीट देख लेते हैं, तो सीट में देख लीजिए यहाँ पर दी हुई, जर्नलिज्म में 2 वैकेंसीज हैं, कॉमर्स में 1 वैकेंसी है, इंग्लिश में 2 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 2 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 है, ज्योग्राफी में 1 है, संस्कृत में 2 है और एजुकेशन में 5 है। कुल मिलाकर 17 पोस्ट है यहाँ पर PhD के लिए। एंट्रेंस टेस्ट के लिए देखिए यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आप PDF से पूरा अपना सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टोटल फ़ी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ कि टोटल आपकी कितनी फ़ी लगनी है अगर आपका एडमिशन PhD में हो जाता है। तो ट्यूशन फ़ी 25,000 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 रुपये है, लाइब्रेरी कौशल मनी 1,000 रुपये है, लाइब्रेरी फ़ी 3,000 रुपये है और लेबोरेटरी फ़ी फॉर रिसर्च 3,000 रुपये है, थीसिस सबमिशन एंड इवेल्यूशन फ़ी जो है 10,000 रुपये है। तो ये टोटल फ़ी यहाँ पर दी हुई है PhD की। और सिलेबस फॉर इंट्रेंस टेस्ट जैसा आप देख पा रहे हैं टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें पार्ट ए में रिसर्च मेथडोलॉजी 50 मार्क्स का होगा, उसका सिलेबस दिया हुआ है।
और इसके अतिरिक्त बी पार्ट जो है वो भी 50 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर जो है इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो दोस्तों यह PhD से संबंधित तथ्य थे। अब हम चलते हैं MPhil से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। MPhil के लिए भी तिथियाँ दोस्तों सेम है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो MA आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। 5% का रिलैक्सेशन भी होगा SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। एंड यहाँ पर भी दोस्तों फीस जो है 2000 रुपये है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, डिजिट में 1000 लिखा हुआ है जबकि वर्ड में 2000 ओनली लिखा हुआ, तो 2000 रुपये फ़ी है। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। इंट्रेंस टेस्ट यहाँ भी होगा, लेकिन सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं किस विषय में कितनी पोस्ट है। तो जर्नलिज्म में 2 पोस्ट है, बॉटनी में 1 है, कॉमर्स में 1 है, इंग्लिश में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 3 पोस्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 1 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, संस्कृत में 1 है, एजुकेशन में 4 है और स्पेशल एजुकेशन में 1 सीट है। टोटल 17 सीट यहाँ पर भी है एंड रेगुलर बेसिस में है। फ़ी की अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लें कि पूरे MPhil के दौरान आपको कितनी फ़ी पेमेंट करनी है, तो ट्यूशन फ़ीस 6000 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये है, लाइब्रेरी कॉशन मनी 1000 रुपये है, लेबोरेटरी फ़ी 2000 रुपये है और डिजर्टेशन सबमिशन फ़ीस 2500 रुपये है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन फ़ी फॉर 1 ईयर 5000 रुपये। अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं तो फिर आपको 5000 रुपये और सबमिट करना पड़ेगा। सिलेबस फिर से यहाँ पर दिया हुआ, एंट्रेंस टेस्ट का 100 मार्क्स का पेपर होना है। रिसर्च मेथडोलॉजी 50 मार्क्स का होगा जिसका देखिए सिलेबस पूरा दिया हुआ है। और दूसरे में जो है स्पेसिफिक पेपर होगा आपके सब्जेक्ट से UGC नेट के अकॉर्डिंग, उसका लिंक यहाँ पर दिया है, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी 50 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी। अगर अभी तक आपने PhD या MPhil नहीं किया हुआ है और आप करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं पोस्ट कम आती है और आसानी से एडमिशन भी नहीं मिल पाता है MPhil और PhD के लिए। तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए और जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है आपको जो है ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।